गाइस कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं का सेल्फ यूनिक। गाइस आप सब देख रहे होंगे इस समय इंडस्ट्री में हर जगह पे आपको BIM पे बहुत ढेर सारी ओपनिंग्स मिल रही होंगी। बच्चा अगर सर्च करता है जॉब तो उसमें नीचे लिखता है BIM मॉडलर, BIM रिटेलर, BIM कोऑर्डिनेटर, BIM मैनेजर, इस तरीके की प्रोफाइल्स बहुत ढेर सारी मार्केट में, राइट। लेकिन आप सिलेक्शन के लिए जैसे अप्लाई करते हो उसके बाद आपको कोई रिस्पांस नहीं आता, उसका मेन रीजन ये है कि BIM में एग्जैक्टली क्या सीखना चाहिए और क्या आपको आना चाहिए जो रिज्यूम में आप ऐड कर सको, उन चीजों का आपके पास अवेयरनेस नहीं रहता। प्लस मान लो किसी का शॉर्ट लिस्टिंग हो भी जाता है रिज्यूम की वजह से, तो टेलीफोनिक होते हैं और या फिर फ्रंट टू फ्रंट जब इंटरव्यू होता है आपका, तो वैसे ही आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ जाता है। रीजन कि आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ सकते हैं रिलेटेड टू BIM, किस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई BIM को सीखना कैसे है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना अगर BIM में करियर बनाना है तो, अदरवाइज मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए डीप में, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब तक आप अधूरा नॉलेज लेके जाओगे, अधूरा नॉलेज बहुत डेंजर होता है। सो आपसे मैं ये करना चाहूंगा, पेशेंस को बना के BIM में क्या क्या आना चाहिए इस चीज को समझो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो, समझते गाइस क्या क्या BIM में आना चाहिए। सबसे पहले गाइस, आज के टाइम में आप सबको पता है कि अगर कोई भी एक बिल्डर है, अगर उसको अपने नाम को बड़ा करना है तो BIM का सहारा उसको लेना पड़ेगा, बी मॉडल बनवाना पड़ेगा। उसी से क्लाइंट जल्दी बुकिंग करते हैं, उसी से क्लाइंट को ट्रस्ट आता है, उसी से काम में एक्यूरेसी आती है, काम टाइम पर होता है, ये सब बेनिफिट्स है। इसके लिए वैसे तो मैंने BIM का सेमिनार कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक घंटे का पूरा सेमिनार यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। बट अभी के लिए क्या क्या इंटरव्यू पूछ सकते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं LOD के बारे में, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एकदम डिटेल में पीस जाओ, ठीक है। बहुत ढेर सारे वीडियो मेरे हैं और लोगों के वॉच करो वीडियो, लेकिन LOD जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, LOD 100 क्या होता है, LOD 200 क्या होता है, 300 क्या होता है, 350 क्या होता है, 400 क्या होता है, 500 क्या होता है, तो LOD अच्छे से पढ़ समझ लो। उसके बाद जो दूसरा आना चाहिए आपको, 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, 4D क्या होती है, 5D क्या होती है, इनको डीप में 6D क्या होती है, 7D क्या होती है, डीप में इनके ढेर सारे वीडियोज देख के एकदम क्लियर कर लो। चलो ये तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछना ही पूछना है। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि BIM होता क्या है। तो BIM क्या है, BIM इज द प्रोसेस, क्या है, BIM इज द प्रोसेस इन विच वी यूज सेवरल सॉफ्टवेयर, लाइक कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, रेविट आर्टिक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, नेविस्वर, स्केचअप, 3ds Max, टिकला, इन सब सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं BIM के लिए, राइट। अगर इन सॉफ्टवेयर का आपके पास नॉलेज नहीं है तो इनके सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छे से ले लो। खासतौर से जो मैं अगर बोलूंगा तो रेविट और उसके साथ नेविस्वर, इन दोनों का बहुत अच्छे से नॉलेज लेना ना, क्योंकि रेविट से हो जाता है 3D का वर्क और नेविस्वर से हो जाता है 4D और 5D। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपने सीख रखा है और आप भूल चुके हो तो मैं आपको रिवाइज करने के लिए बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप अभी इस समय ऑफर चल रहा है यूनिक सिविल ऐप पर, 50% ऑफ का समर सेल 10 दिन का लगा हुआ है, तो आप जाके वहां से एक बार रिवीजन कर सकते हो बहुत ही कम फी में। लेकिन अगर कोई आपको बॉटम से टॉप तक सीखना है, आ जाओ हमारे गुरुकुल में, 20 जून से 7 बजे से सॉरी 7:30 से 9 बजे तक आपको सिखा रहा हूँ। 4 महीने में ट्रेंड कर दूंगा BIM में ऐसा कि आपसे इंटरव्यू में कहीं से भी कुछ पूछेगा तो आप उसको आंसर दे के आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इवन आपको जॉब के लिए भी हेल्प करूंगा, पोर्टफोलियो में भी हेल्प करूंगा, कहाँ अप्लाई करना है इसमें भी हेल्प करूंगा, इंटरव्यू में कैसे बात करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को डेवलप करना है, सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना 9792621121 पे, और अब बता दूंगा मैं आपको किस समय पे मैं आपको बात करके एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वहां पे आप समझ पाओगे भाई गुरुकुल में 4 महीने में BIM एक्सपर्ट कैसे बने। तो अभी वहां पे 2-3 सीट है, आपका मन करे तो रजिस्टर कर लो, 20 जून से स्टार्ट है। तो ये उनके लिए जो बिगनर्स है, और जो ऑलरेडी सीख रखे हैं उनके लिए बोलूंगा ऐप पर चले जाओ, बहुत ही कम फी में आप आराम से रिवीजन कर पाओगे इंटरव्यू के लिए। चलिए ये तो हो गया, LOD पढ़ लिया सर, रेविट आर्किटेक्चर पढ़ लिया, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP पढ़ लिया सर, नेविस्वर्क्स पढ़ लिया, 2D 3D 4D पढ़ लिया सर, और क्या पढ़ो सर, अब पढ़ो आप रेरा, रेरा के बारे में डीप स्टडी करो। रेरा इस समय सबसे को पता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेरा के बाद आप पढ़ो बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज के बारे में पढ़ो कि बिल्डिंग क्या होता, बिल्डिंग बायलॉज में कौन कौन से रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आप पढ़ो वास्तु के बारे में, किसके बारे में पढ़ो, वास्तु के बारे में पढ़ो। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि एक समेशन ड्राइंग को बनाते कैसे हैं, एक वर्किंग ड्राइंग को बनाते कैसे हैं, वर्किंग ड्राइंग के एलिवेशन को कैसे बनाते हैं, वर्किंग ड्राइंग में समेशन क्या बोलते हैं, फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसकी डिटेलिंग कैसे सबमिट करते हैं, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स कैसे करते हैं, कॉलम में रेनफोर्समेंट कैसे लगाते हैं, रेनफोर्समेंट बीम में लगाने का सही मेथड क्या है, गलत किस तरीके से लोग लगा देते हैं, कैंटिलीवर बीम है उसमें पॉइंट लोड आ रहा है तो उसमें रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे। तो मतलब स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स आपको अगर आता है
तो आप भी में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। नो डाउट मॉडलिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, मॉडलिंग प्रैक्टिस अच्छा चाहिए, इसके साथ इंस्केप सॉफ्टवेयर सीख लो, इंस्केप बड़ा इजी रहता है, फिर वीरे सीख लो, कोई भी एक रेंडर का सॉफ्टवेयर सीख लो जिससे कि रेंडर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। तो इस चीज को अगर आप सीख लेते हो तो बिलीव करो आपका अप 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 वीब में करियर बनता चला जाएगा। उसके आगे तो और भी बहुत सी चीज है कि 6D में क्या क्या करते हैं, 5D में क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट्स कैसे तैयार करते हैं, कब तक में कितना काम हो जाएगा, काम को किस तरीके से अरेंज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपको BBS का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बार बेंडिंग शेड्यूल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए बीम के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेट कैसे करेंगे, मतलब एक प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन किया तो मटेरियल कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, इस मटेरियल का प्राइस कैसे आएगा, मीन्स एस्टिमेशन का अच्छा नॉलेज रेविट के अंदर होना चाहिए एज वेल एज मैनुअल होना चाहिए। रेविट के अंदर भी एस्टिमेशन करते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया है और ऐप पर तो डेफिनेटली बहुत ही डीप में जाके, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टाइम होता है 1.5-2 घंटे का, तो हमने वहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एस्टिमेशन का आपको अगर अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इसके बाद गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है BIM, मैक्सिमम MNC यूज कर रही है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही फ्लुएंट होना चाहिए, मीन्स इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक विथ योर फॉरेन क्लाइंट्स। तो अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स को से टॉक कर रहे हो तो अगर आप उनकी बात को नहीं समझ पाओगे तो आप मॉडल कैसे उस चीज का बनाओगे, किस तरीके एक्सप्लेन करोगे। तो MNC में अगर जॉब लेनी है, हाई पैकेज लेना है, तो कम्युनिकेशन को बहुत हाई लेके जाओ। बीम में जितना कम्युनिकेशन और जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा सैलरी ग्रोथ। अगर कोई बोलता है सैलरी ग्रोथ नहीं, उसको बोलते तुम एक नंबर का ढक्कन हो, ठीक है, शांत रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि BIM के लिए अगर आप सर्च करेंगे तो मैं बहुत ढेर सारी कंपनियों में बता चुका हूं, 4.6, 5.2, 5.8 का पैकेज आराम से आपको मिल जाता है। अगर एक साल का एक्सपीरियंस है तो ये मैं बोलता हूं कि आप 4+ का पैकेज गेन कर सकते हो, बट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि यार आपको लगे कि यार अगर इस बंदे को मैंने मिस कर दिया, इस बंदे को अपने कंपनी में नहीं रखा, ये कंपनी ओनर को लगना चाहिए, इस बंदे को अपने कंपनी में नहीं रखा तो मेरे कंपनी का लॉस होगा। इस तरीके की अगर क्वालिटी है आपके पास, बिलीव करो अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छा मॉडल के साथ आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए स्कैन टू बीम क्या होता है, BIM 360 क्या होता है, रीकैप क्या होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लोकल सर्वर किस तरीके से बनाएंगे सब, अब बीम के अंदर की चीजें मैं अंदर नहीं जा रहा हूं ज्यादा क्योंकि कई लोग ऊपर से चला जाए, इसलिए BIM 360 पढ़ लो, स्कैन टू बीम क्या होता है ये पढ़ लो, लोकल सर्वर किस तरीके से बनाते हैं वो पढ़ लो, बीम कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है वो पढ़ लो, किस तरीके से स्ट्रक्चर की फाइल को, आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर की फाइल को स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर की फाइल को MEP में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे इस चीज को पढ़ लो, क्लैशिंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कहां पर एक बीम से कोई भी एक फायर फाइटिंग की लाइन क्रॉस तो नहीं कर रही है, क्लैश तो नहीं आ रहा है, क्लैश आ रहा है तो क्लैश को कैसे रिड्यूस करेंगे, इस चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको अच्छे तरीके से सेक्शन एलिवेशन की जो डिटेल ड्रॉइंग्स होती है उसको हम सबमिट कैसे करेंगे, उसको बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे से होता है, और भी बहुत ढेर सारी चीजें, बट इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बीम मॉडलर को आना ही आना चाहिए। और इन सब का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो अगर आपके पास नहीं है तो बिलीव करिए कि बीम में आपका पैकेज लगेगा ही नहीं। कितना भी रेविट सीख लो इंस्टीट्यूट वगैरह से, प्रॉब्लम क्या है कि हमने रेबिट सीख रखा, ऐसा नहीं कि आपने सीखा नहीं है, बट प्रॉपर वे में नहीं सीखा, जो इन कंपनी को रिक्वायर्ड है वो नहीं सीखा है, बहुत ढेर सारे मॉडल बनाए हैं बट कंपनी को किस तरह के मॉडल चाहिए, कंपनी को रेबिट फैमिली पर अच्छा नॉलेज आपका चाहिए, रेबिट पैरामेट्रिक फैमिली पर, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली, हर कंपनी को लगता है पैरामेट्रिक फैमिली बनाने वाला बंदा, क्योंकि हर जगह कस्टमाइज कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, उसके लिए उनको एक नया एम्प्लॉय थोड़ी हायर करेंगे, तो वो चाहते हैं कि आपके अंदर रेबिट फैमिली का अच्छा नॉलेज हो। अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो उसको इंप्रूव कर लो, और इस तरीके से अगर आप जाते हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर रेविट फैमिली आपको आता भी है तो आप वैसे भी अपने ब्लॉग्स भी शेयर करके लोगों को ब्लॉग्स अपने सेल कर सकते हो, सेल करके भी पैसे कमा सकते हो, बट अभी वो इस टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे। इसलिए अच्छे से पोर्टफोलियो, स्ट्रांग पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग कवर लेटर और स्ट्रॉन्ग रिज्यूम आप बनाओ। अगर आपके पास नहीं है तो यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सब अपलोड कर रखा है, सिर्फ डाउनलोड करके देखना है, वैसे वैसे बना लेना, लगा क्या आपका, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हो, समझ गए होंगे आपकी आपको बीम में क्या क्या आना चाहिए, उसके साथ अगर आपको सिविल गुरुकुल ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, अगर आप यूनिक सिविल ऐप पर जा रहे हो तो वहां पर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां चैट बॉक्स से वहां पर चैट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप यू लाइक दिस, जय हिंद जय भारत। वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करना मत भूला करो यार, कमेंट करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली और क्या चाहिए और किस चीज के बारे में जानना है, इसको कमेंट करके बताया करो, उससे हमारा भी उत्साह वर्जन होता है, और लाइक तो करोगे ही करोगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।